तुझे जान दे सकता हूं, तू दे सकता है तो आ। गवर्नमेंट का क्या रोल हमें देखने को मिलेगा? क्या अंडरकवर एजेंट्स बचा पाएंगे स्टूडेंट्स को? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे टेररिस्ट एक इंटरनेशनल स्कूल को हाईजैक कर लेता है और साथ ही वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा। टेररिस्ट ने अपनी डिमांड तो रख दी है, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं चाहते हैं कि उनकी डिमांड पर उस टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए, जिसके लिए वो दूसरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसके बाद वहां से एक टीम को भेजा जाएगा जो कि ऑपरेशन करेगी और उससे ये कोशिश रहेगी कि किसी भी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ मेंबर को कुछ ना हो। वहीं फिल्म में विलेन के रोल में राजकुमार राव नजर आ सकते हैं। वहीं फिल्म में हमें परेश रावल और रमी रेड्डी जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे। फिल्म की सेकेंड पार्ट में हो सकता है कि मेकर्स संजय दत्त को लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि उनकी फिल्म KGF 2 में उन्होंने नेगेटिव रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। साथ ही बॉलीवुड टॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में एक पहचान बना ली है उन्होंने। अब देखना यह है कि मेकर्स किसे विलन के रूप में लेंगे। जब हम विलन की बात कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में अपने फेवरेट विलन का नाम जरूर बताइए। वहीं जैसा हमने आपको बताया था कि दिलवाले 2 भले ही दिलवाले की सीक्वल हो, लेकिन फिल्म में हमें इस बार पूरा ही अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और यही रीजन है कि फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे इस हाईजैक के कारण कंट्री की गवर्नमेंट पर पूरा लोड आ जाता है। वही रूलिंग पार्टी जहां इस प्रॉब्लम से निकलने के बारे में सोच रही थी, वही ऑपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी को जनता के सामने विलन बनाने में तुले हुए थे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रूलिंग पार्टी इस हाईजैक के कारण ऑपोजिशन बन जाती है और ऑपोजिशन पार्टी को लीड करने का मौका मिलता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फिल्म में इस बार टेररिज्म से रिलेटेड एक कहानी को दिखाया जाएगा। जैसे कि आपको याद होगा 26/11 जहां टेररिस्ट ने ताज होटल को हाईजैक कर लिया था और अपने लीडर को छोड़ने की मांग कर रहे थे। तो आपको बता दूं कि फिल्म में आपको कुछ इसी टाइप का सिनेरियो देखने को मिलेगा जहां टेररिस्ट एक कॉलेज को हाईजैक कर लेंगे और सुनील और अजय को उन बच्चों और प्रोफेसर को बचाना होगा। फिल्म दिलवाले 1994 में आई एक रोमांटिक हिंदी एक्शन फिल्म थी। फिल्म में हमें अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नजर आए थे। वहीं फिल्म दिलवाले 2 में भी हमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन और रवीना देखने को मिल सकते हैं। साथ ही फिल्म को ज्यादा बड़ा हिट बनाने में हमें बहुत से कैमियो रोल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर नाना पाटेकर जैसा कलाकार नजर आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म्स की थी और लोगों का दिल भी जीता था। वहीं फिल्म में हमें कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर दिलवाले 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, दिलवाले 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी या नहीं? अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।